हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम थंबनेल देख के समझ गए होंगे खीर। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी तीन तरीके से खीर, वो भी फटाफट। आप सोच ही नहीं सकते इतनी जल्दी और फटाफट बनेगी। ड्राई फ्रूट्स वाली, नारियल के बुरादे वाली और गुलाब जामुन की। डिलीशियस तो बनेगी आपकी, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी स्टेप, छोटी छोटी बारीकियां भी बताऊंगी कि कैसे इतनी डिलीशियस रेसिपी बना सकते हैं खीर की। क्योंकि खीर ही एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी होती है जो अपन हर फेस्टिवल पे बना सकते हैं और हर फेस्टिवल पे बनाते हैं। तो जब अगर हमारे पास गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले मुंह मीठा अपन चावल से करते हैं। चावल मतलब खीर। अगर वो ही अच्छी नहीं बनी तो वो समझ जाते हैं कि इसे खाना बनाना नहीं आता है। तो खीर तो बननी चाहिए, वो भी टेस्टी वाली और यम्मी वाली। मैंने यहाँ पर लिए हैं टुकड़े वाले चावल, इन्हें टुकड़े वाले चावल कह सकते हैं। बासमती चावल से अपन जो वो पुलाव होते हैं वो बनाते हैं, और ये टुकड़े वाले चावल होते हैं उनसे खीर बनती है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। और हाँ, जैसे खीर वाले चावल दे दो भैया, ऐसे किराना स्टोर से मांग सकते हैं तो वो आपको खीर वाले चावल दे देंगे। अब इन्हें भिगो लेंगे। ये देखिए, मैंने पहले ही एक बर्तन में इन्हें भिगो रखा था। ज़्यादा देर तक इन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है कि 4-5 घंटे तक भिगोएंगे, मतलब आधे घंटे तक आप भिगो दोगे तो ये देखिए फूल जाएंगे, क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। वॉश करके अच्छे से इन्हें किसी भी बर्तन में, जो आपके पास बर्तन हो उसमें ढक कर रख सकते हो आधे घंटे के लिए। मिनिमम आधे घंटे में तो ये भीग जाएंगे, इससे ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये छोटे टुकड़े वाले होते हैं खीर में, ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं। बासमती चावल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो अच्छी तरीके से दूध में मिक्स नहीं होते ना, तो वो अच्छे नहीं लगते और उनका कलर हल्का सा येलो सा भी रहता है। और ये बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल सफ़ेद कलर है इनका। हाँ, इन्हें बॉयल वॉयल कुछ भी नहीं करना, बस भिगोना है और इनका ये जो पानी है वो निकाल लेना है। अब ड्राई फ्रूट्स वाले बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट तो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं इलायची के दाने, जिन्हें बारीक कूट लिया है। छिलकों को हम लीव कर देंगे ये मैं दिखाने के लिए। अखरोट, यहाँ है किशमिश, पिस्ता, बादाम के कतरने जो मैंने घर पे ही तैयार की थी, मतलब बादाम के कतरनों को या तो दुकान से ले आएगा या खुद ही कट कर लीजिएगा। 2 बादाम, साबुत। जितनी क्वांटिटी में आप खीर बना रहे हो ना, उतनी क्वांटिटी में आपको ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। जैसे मान लो ज़्यादा खीर बना रहे हो और ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट्स तो ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पर काजू मेरे पास ज़्यादा बड़ी है, मतलब फ्रेश और लंबी है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और छोटे छोटे टुकड़े वाली भी काजू आती है, ये देखिए हाथों से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे बस ऐसे। और 2-3 काजू ऐसे साबुत डालेंगे, इनके टुकड़े नहीं करेंगे। और ये मैंने ली है बेबी सेफ्रॉन, मतलब इसे बच्चों को भी दे सकते हैं इस खीर को, मतलब तासीर इसकी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। ये देखिए बेबी सेफ्रॉन, कोई सी भी कंपनी के ले सकते हैं, मैं ऐसे एडवाइस नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए भी ठीक रहती है। नटराज और अदर कंपनी के लोगे ना, तो हाई तासीर रहती है तो बच्चों को ज़्यादा गर्मी कर सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, इतनी तासीर गर्म रहती है। तो बेबी सेफ्रॉन ले लीजिएगा बच्चों के लिए, इनके लिए। और गर्मी में तो है ना, सेफ्रॉन 2-3 लीव्स ही डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, सर्दी में खानी चाहिए। और सर्द पूर्णिमा वाली जो खीर बनाते हैं ना, उसमें वो काली मिर्च ये भी डालते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, क्योंकि उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन यहाँ अपन नॉर्मल फेस्टिवल के लिए बना रहे ना, इसमें काली मिर्च ये सब कुछ नहीं डालेंगे। नॉर्मल जो ड्राई फ्रूट्स की खीर होती है उनमें यही डालते हैं। चाहो तो लीव कर सकते हो, जो आपके पास हो वो क्वांटिटी में आप ज़्यादा डाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास बादाम ज़्यादा है तो ड्राई फ्रूट्स की आपको खाने की इच्छा है, तो फिर बादाम की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिएगा। और ये कम कम है तो फिर इनके, तो वो फिर भी ऐसे लगे कि हाँ ड्राई फ्रूट्स की अपन बादाम वो खीर खा रहे हैं। बादाम क्या, बादाम बोलते बोलते मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध, गाय का, भैंस का, किसी का भी ले सकते हो जो आपके पास हो। ऐसे नहीं है कि गाय का ही लो या भैंस का, यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट दूध भैंस का। अब देखिए, इंडिया में है ना खीर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ट्रेडिशनल स्वीट्स में आती है खीर। क्योंकि ये खीर का जो स्वाद है, मीठापन, किसी भी फेस्टिवल में, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे किसी भी फेस्टिवल, मान लो आप चावल से बनी हुई जो चीज़ होती है ना खीर, इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ को दिया जाता है, खीर को। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको सोख लिया, लेकिन अभी इसमें नहीं डालना है,
मेरे पानी निकाल लिया। चलिए अब गैस में पहले दूध को गर्म कर लेते हैं। लोग है ना जो खीर कढ़ाई में बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छी लगती है कढ़ाई में बनाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। मैं हमेशा खीर भगोने में बनाती हूँ। आप देखते होंगे जैसे शरद पूर्णिमा आती है तो मंदिरों में ये सब भी है ना, वो जो भगोना होता है उसी में बनाते हैं। ऐसे नहीं कि कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई में वो टेस्ट नहीं आता। भगोना होता है जैसे ऐसा वाला भगोना ले लीजिए, छोटा है तो छोटा ले लीजिए, लेकिन भगोने में ही इसका टेस्ट आता है। भगोने का पेंदा हल्का सा पतला सा भी रहता है, इसी वजह से तो इसमें टेस्ट बढ़ता है। और जो चावल और ये दूध दोनों का, दोनों की स्टार्च है ना मिक्स हो जाएगी, फिर जो इसका टेस्ट बनेगा, आहा। चलिए ये जब तक गर्म होगी ना खीर, तब तक यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन बना के रखे हैं, मैं खा लेती हूँ और तब तक ये गर्म भी हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने गुलाब जामुन तो बना रखे हैं और जो ये खीर है ना, गुलाब जामुन और खीर का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ इसलिए तो मैं खीर बना रही हूँ। तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं जब घर पे बना रही हूँ। देखिए इधर देखो, दिखा दीजिए भाई, इधर दूध गर्म होगा तब तक अपन क्या करें, बैठे बैठे गुलाब जामुन ही खा लेते हैं, फिर बाद में जब खीर बन जाएगी तब खा लेंगे। और ये बिना मसाले वाले सिंपल गुलाब जामुन है। हाँ इनकी रेसिपी भी देख सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे दे सकती हूँ। इतने टेस्टी यम्मी वाले सुनहरी ब्लैक गुलाब जामुन, पतवा गुलाब जामुन, सारे टाइप के सिखा रखे हैं, केसर फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, सबके आपकी पसंद पसंद जो भी फ्लेवर है उस फ्लेवर के आप देख लीजिएगा। हाँ अगर आपको गुलाब जामुन भी चाहिए ना रेसिपी तो देख जरूर लेना, और कमेंट में भी बताना कि इस खीर के साथ कौन कौन गुलाब जामुन वाली रेसिपी देखा है। अब जैसे ही एक बार ये बॉइल हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे, एड कर देंगे चावल। देखिए कुछ तो हल्का सा गाढ़ा भी करते हैं दूध को, लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप हल्का सा गाढ़ा करोगे तो फिर है ना चावल इसमें मिक्स कहाँ से होंगे, वरना फिर बाद में चावल अलग दिखेंगे, दूध अलग दिखेगा ऐसे। और पता है मेरा सीक्रेट राज आपको भगोने में बनाना है, भगोने ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, भगोने की वाइफ भगोनी ले लीजिएगा। स्माइल तो कर दो यार, तभी तो मेरी रेसिपी अच्छी बनेगी। और ये जो बच गए ना चावल, इनको हाथों से ऐसे कर लेना, शर्म की कोई बात नहीं है, चावल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। देखिए ऐसे बिल्कुल, चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के भी कर सकते हो और चाहे तो दूध भी। अब एक बार मिक्स कर लेंगे, चावल डाले ना तो स्टायर तो करना पड़ेगा ये अपन को एक बार, क्योंकि ये जब है ना जैसे ये ठंडे है और दूध गर्म है तो नीचे चिपकने का डर जरूर रहता है। तो जैसे चावल डाले एक बार हिला देना ऐसे चमचा, चमचे को गोल गोल कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे पका लिया, चावल अच्छी तरीके से पक चुके, ज्यादा मिनट नहीं लगती है, ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो अपन ने लिए थे, बादाम के कतरने, पिस्ता, किशमिश और केसर की लिप्स, इलायची के दाने और अखरोट। अखरोट को हल्का सा तोड़ेंगे फिर डालेंगे। हाँ हाँ ये देखिए जैसे कलर कैसा दूध में गई, ये अपना देखिए कलर छोड़ने लगे ना ये हल्का सा, बस ऐसे पका लेंगे किनारों से ऐसे कर करके पूछ लेंगे। ये तैयार हो चुकी है, देखिए उबल कर इसमें डाल देंगे शक्कर, मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन बर्तनों में मैंने ये वाली खीर क्यों ली है। ये देखिए खीर एक जैसी है लेकिन मैं इन्हें तीन तरीके से आपको डेकोरेट करना दिखाऊंगी, इसे पीछे रखेंगे। अब करेंगे खोपरे वाली, जो नारियल का बुरादा उसे हम ढूंढा नहीं लेंगे, जो हम बोलते हैं खोपरा, इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। चाहे तो देखिए मैंने उस टाइम क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है तो मैं उसमें मिक्स नहीं कर सकती। अब इसमें डालेंगे केसर, खोपरे का बुरादा, बड़ी अच्छी लगती है खोपरे की बुरादे वाली। सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट बताऊँ तो ये मुझे खोपरे की बुरादे वाली बेस्ट लगती है और अच्छी लगती है, टेस्टी। अब देखिए इनके बीच में रख देंगे डेकोरेशन के लिए, केवल जैसे हम होटल्स इनमें खाते हैं तो ऐसे डेकोरेशन में ये आता है, तो बाद में डेकोरेशन करेंगे, पहले अपनी मेन जो खीर है ये वाली है ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। दो लीव्स ऐसे रखेंगे, एक तिरछी रखेंगे ऐसे। अब जो अपन ने काजू ली थी वो
वैसे अपन ने अंदर इसमें डाल दिए, लेकिन ये डेकोरेशन के लिए है। और इसमें डालेंगे बादाम, किशमिश, बादाम के कतरने, पिस्ता और इलायची के दाने। आया ना मजा, टेस्टी डिलीशियस। तो फिर कमेंट तो करो फटाफट, और बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट की कैसे लगे। बस इतना ही डेकोरेशन करेंगे। अपनी डेकोरेशन हो चुकी है, भैया लास्ट वाली बच गई है, इसे डेकोरेशन करते हैं। रुको, अपन डालेंगे इसमें हाफ गुलाब जामुन, यहाँ मैंने ले रखे हैं ये देखिए केसर वाला, हाफ गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। पहले एक डाल देंगे और फिर ये हाफ वाला, ये देखिए। चलो ये रहने देते हैं, इसको छोड़ दें, टेस्ट करके दिखा देती हूँ पहले आपको। हाँ, देखो ये केसर जो इसमें मिक्स हुई है वो खोपरे का बुरादा। वाओ, लग रहा है ना टेस्टी और यम्मी। चलिए खाते हैं, गजब। मैंने बताया था ना ये मेरी फेवरेट है, तो फेवरेट तो आप जानते हो कि कितनी अच्छी बनती है। अब इसे टेस्ट करेंगे। रक्षाबंधन पर मैंने मेरे भाई के लिए बनाई है ये खीरा। हाँ देखो, डिलीशियस बाइट। केसर, काजू जो दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स तो इसमें भरे भरे हैं। चाहो तो मेरी तरह इतना भर भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये भी टेस्ट कर लेती हूँ। मेरा मुंह मीठा आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पहले वो वाली टेस्ट कर ली, अब ये वाली टेस्ट कर रही हूँ। पर मुझे पता है कि मेरी तो फेवरेट है, तो मैं इसे ज़्यादा अच्छे बताऊँगी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की नम ऐसे आएगा आपके मुँह में भी। चलिए खा लेते, मेरे मुंह में तो ऐसे हो रहा है। हंस भी लो, मिठास के साथ स्माइल जरूरी है। आनंद, शरद पूर्णिमा में जो ये खीर खाते हैं ना, लेकिन ऐसे जैसे मैंने मेरे भाई के लिए बनाई है, वाकई में आज तो वो मेरी इतनी तारीफ करेगा, ऐसे कहेगा कि मजा आ जाएगा जो उसे। अब ये वाली है गुलाब जामुन की, चलिए इसे भी टेस्ट करते हैं। केसर तो आपको दिख ही रही है इसके ऊपर भी। खीर में ऐसे डूबा है ये। आ जाओ ऊपर आ जा। अंदर से मैं इसको तोड़ दी हूँ, देखो खीर में डुबो कर। ये लो, वो रेसिपी नहीं होती जो अपन वो खाते हैं, टिक्का, टिक्का वाली रेसिपी बन चुकी है। एक मिनट यहाँ रखती हूँ, हाथ से तोड़ कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये कुल्हड़ है ना, मिट्टी के बर्तन में जो टेस्ट आता है ना। ये देखो इसके अंदर भी केसर भरी हुई है, लग रही है ना डिलीशियस। चलिए ये भी खा के मैं आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी और एक नए टेस्ट।